अच्छा ये कोई नस्ल का इसका वजन कितना होगा? वजन तकरीबन 25-30 किलो। जी भाई सही है, चलने बेहतरीन है, चलने में फर्स्ट क्लास है। कानों की लेंथ भी, कानों की लेंथ कितनी होगी? 22 कानों की होगी, तकरीबन 23-24 के करीब होगी इसकी। तुम्हारी बात इज्जत है, तुम्हारी मर्जी, चीज बची है कपड़े में, देखो कपड़े में चलिए हुए का तुम बताओ आखिर बिना लकड़ी डाल कर जो हमारी चलो भाई से बात कर लेते हैं। मशवरा कर भाई, इसके भाई फाइनल 75,000 रुपये कह रहा है, ठीक है ना, और मैंने 62,000 रुपये बोला। 62 बोल दिए? हाँ। आपका क्या अंदाज़ा है कितने तक का फाइनल कर देंगे भाई? ये 62 तक में सही है, इससे ऊपर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। बाकी वज़न के हिसाब से, चलने के हिसाब से, आपने भी देखा वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया, ये है कि 1,00,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं, 1,75,000 रुपये भाई आ रहा है, और मैंने 62,000 रुपये बोल दिया। लेकिन बकरा अच्छा है, खूबसूरत है, गुलाबी प्योर एक नंबर गुलाबी पासे में, छोटे फेस में है, इस वजह से मुझे अच्छा लगा। तो पैसों के हिसाब से, वज़न के, खूबसूरती के हिसाब से, सब चीज़ों के हिसाब से मैंने बिल्कुल फाइनल 62,000 रुपये बोल दिया। अब मेरे से 1 रुपया भी आप बोल लचक नहीं करोगे, ठीक है? अगर इनका मूड होगा तो आवाज़ दे देंगे, बाकी हम आगे चलते हैं और बकरा देखते हैं, ठीक है? बकरा बोल दो रो का ये वाला एक 80, एक 80, इसकी एक भी, इसकी एक 80 फर्क देखो ना। अच्छा ये कोई नस्ल का फर्क है या चीज का वजन का फर्क है? वजन का जो है इससे नीचे 2,000 में सेल हो रहा है। अच्छा चीज़ चीज़ का फर्क। और ये मोने का क्या कह रहा हूँ? 1,90,000 रुपये। भाई इसके 1,90,000 रुपये मोने का कह रहे हैं, और 1,80,000 रुपये इसका कह रहे हैं, और इसका 1,20,000 रुपये कह रहे हैं। तो इनमें कितनी कमी पेशी हो जाएगी, पैसों में कितनी कमी पेशी हो जाएगी? अच्छा मैं बोल रहा हूँ भाई, ये 50,000 रुपये में हो जाएगा? हैं बहुत कम है, अभी कितने में होगा ये भी तो बताऊँ ना। 10,000 कम हो जाएंगे, मतलब 1/10 का हो जाएगा, एक से नीचे की बात है। चलो आप भी बताओ। अच्छा भाई, भाई को मैंने बोला 50,000 रुपये हो जाएगा, भाई कह रहे हैं 10,000 रुपये कम हो जाएंगे, तो मैंने बोला एक का, एक से नीचे की बात है तो बोल रहे हैं उसमें भी कमी पेशी हो जाएंगे। तो भाई से मैं पूछता हूँ आखिरी अगर कहाँ तक इनका इरादा है, भाई फाइनल बताओ कहाँ तक इरादा है? 50 बोला ना, आप बता ना, तो बोलो फिर हमारे को जो समझ में आ रहा है पूरे एक का होगा। अच्छा जी, भाई कह रहे हैं 1,00,000 का होगा फाइनल। बकरा आपके सामने है, दांतों में कितने हैं? 6 दांतों में। अच्छा जी, ये भी बकरा है, इसकी भी डिमांड कर रहे हैं, लेकिन ये रेंज में भी ज़्यादा है, और 19-20 लग रहा है मुझे, ये तो पैसों में ज़्यादा है। खैर मुझे ये समझ में आ रहा था, एक बकरा वो भी है मोने में, ये दांतों में फुल फुल हैं। और छोटे का क्या कह रहे हो, काले का? 50,000। छोटे का 50,000 रुपये। अच्छा ये जोड़ी देख लें, इसका कितना बोल रहे हैं? इसका 50,000 रुपये कह रहे हैं छोटे का, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा ये जोड़ी देख लें, ये बकरा बड़ा अच्छा है माशाल्लाह, खूबसूरत बकरे दोनों जोड़ी है।
एक लाख दस हज़ार रुपये मतलब 55,000 रुपये का एक पकड़ा भाई जोड़ी का बोल रहे हैं 1,10,000 रुपये और फाइनल कितने हो जाएंगे देने वाले यार मुझे जोड़ी नहीं चाहिए मुझे एक चाहिए इसका बताओ इसका कितना होगा ब्लैक एंड वाइट का दांतों में कितना है ये कितने का भी भाई मैंने इसके 38,000 रुपये लगाए ठीक है अगर आप देखना है आपके सामने ये कितने बोल रहे और ये 6,500 रुपये बोल रहे हम कम नहीं कर पा रहे नहीं कम नहीं कर रहे कम में सिर्फ 10,000 रुपये कम कर रहे हैं बस 50 बोल रहे हैं बस भाई का कुछ है कुछ इरादा है मतलब 45,000 अभी 60 बोला अच्छा 5,000 रुपये कम किया था सही पैसे बताएं यार मैंने 38,000 रुपये गलत पैसे लगाए छोटा बकरा पैसे लगाए मेरा सही कॉल पे भी मिला ही था तो मैंने गलत पैसे लगाए 38,000 रुपये सही लगाया इसको खोल के चलाना पैसे ऊपर लग रहा है को अच्छा जी ये वो बकरा है इसके 38,000 रुपये लगाएं छोटा बकरा है ज़्यादा बड़ा बकरा नहीं है बस ये है कि थोड़ा खूबसूरत है ये और ये उसमें आ रहा है अबलग में आता है ये बकरा बांध दो इसको ना? कितने बोल रहे हैं आखिरी भाई आगे 55,000 रुपये बोल रहे हैं इससे कम नहीं है ये छोटे के मालूम करने ये इससे छोटा भी है ये छोटा 25 का है दो दांत है ये दो दांत इसके 40 बोल लें और उसके 25 बोल लें ये दो दांत 25,000 रुपये कह रहे हैं ये दो दांत बकरा ये भी दो दांत और ये भी दो दांत लेकिन सब में छोटा ये वाला है सब में छोटे प्राइस में ये जी क्या करें यहाँ टैक्स मिलता है ना इनके क्या हैं अलग अलग इसका 35 और इसका भी तीनों का एक ही 35,000 के दाम बोल रहे हैं खैर ये बकरा मुझे छोटा बड़ा हो गया कम करवाओ यार बकरा में कोई अच्छा समझ में आया पसंद करो ना सही पसंद करो उसको बड़ा करो इसके से 45 आपके लिए यार हमारे लिए 45 का नहीं है ये हमें 45 में समझ में नहीं आ रहा देने वाले बोलो तो बताओ आप ही बताओ लेकिन ना तो दांतों में क्या क्या है ये भी है 30,000 दंदम कितने भाई कितने लगाए आपके मैंने 30,000 रुपये लगाए वो कितने बोल रहे भाई 38,000-40,000 रुपये बोल रहे हैं आप हमारे लिए हो जाए दोस्तों इसके ये अली भाई ने 30,000 लगाए बकरे की कमर जो है वो अच्छी है गोल बकरे की आप देख सकते हैं और सीना भी आप देख सकते हैं ऊपर करो कर किराया वो भी निकल आया है खैर भाई हमारी इतनी रेंज नहीं है हमने 30,000 रुपये भाई को बताए हैं इसके भाई भाई कह रहे हैं 38 तक में हो जाएगा फाइनल खैर बांध भाई अच्छा जी ये माशाल्लाह से खूबसूरत जोड़ी है इसकी अच्छा इसकी पूछ बकरे हैं बिल्कुल बिल्कुल गेने जो बकरे होते हैं जैसे गेनी बच्चियाँ होती हैं वैसे ही बकरे हैं भाई आपके हाँ भी है ये दांतों में कितना है दांतों में 4 क्या बोल रहे हो इसका 1,20 1,20 1
भाई इसके 120 भाई डिमांड कर रहे हैं और इसका 85,000 रुपये बोल रहे हैं, और इस वाले के 55,000 रुपये। तो बाबा इसका 120 क्यों है, तो छोटा बकरा है, कोडू है, कोडू नस्ल की है, कोडू तो है लेकिन क्या इसकी खास बात है, कोडू तो छोटा बकरा है, इसके अंदर तो ज़्यादा गोश्त कितना होगा, वज़न तकरीबन 25-30 किलो। ये देख सकते हैं आप, थोड़ा बकरा देगा। दांतों में कितने, चार है, ये दो है, ये चार दांत बकरा है और इसकी 120,000 रुपये भाई डिमांड कर रहे हैं। बाबा फाइनल कितने में दोगे, ये फाइनल 80 तक में बोल रहे हैं, ये फाइनल दे देंगे। और ये है कि बिल्कुल छोटे जीरो साइज का बच्चा है, इसके लिए हमें खास तौर पर बैठ के बनानी पड़ी है, बिल्कुल ऐसा। और उसके उससे थोड़ा बड़ा वो है लेकिन उसके 85,000 रुपये बोल रहे हैं, और इसकी हाइट तकरीबन 1 फीट ही लग रही है मुझे, 1.5 फीट भी नहीं होगा, ये पूरा 1 फीट है। अच्छा इसको कितना फाइनल दोगे, 60 तक दोगे। आज रिव्यू मंडी का, सराफकोट बकरा मंडी, और यहाँ पे हमने तमाम बकरों के रेट्स लिए हैं और कुछ रेट्स हमने लगाए भी हैं बकरों के, तो देखना यही था कि सौदे होते हुए भी दिखाया और सौदों में कितना फ़र्क था लोगों का, किस किस्म में लोगों ने यहाँ पर ख़रीदारी करी है, ये सारी बातें आपके साथ शेयर करी हमने वीडियो के अंदर। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मंडी में कौन सी मंडी ज़्यादा बेस्ट है। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।